गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेल्टा एच मेजरमेंट्स। तो नंबर वन, व्हाट इज डेल्टा एच मेजरमेंट्स? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा एच मेजरमेंट्स, डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी, एंड एंथैल्पी रिफर्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। हियर इन फ्रंट ऑफ यू आप देख सकते हैं एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम है जिसमें मैंने एक वेसल ड्रॉ किया हुआ है, और ये वेसल के अंदर यू कैन सी थर्मोमीटर इज देयर, और जो वेसल बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फोम पॉलिस्ट्रीन कप। इनसाइड जो स्क्वायर पोर्शन आपको दिखाया गया है वो जूम करके यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, तो आप थोड़ा अच्छे से देखिए ये जूम वाला जो पोर्शन है, मतलब अंदर क्या है, मैंने इसको ऐसा स्क्वायर ब्लॉक करके बताया हुआ है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है। तो पहले लर्न करते हैं कि डेल्टा एच मेजरमेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड डेल्टा एच। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज आल्सो मेजर्ड इन अ कैलोरीमीटर एज शोन इन फिगर। तो व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड अबाउट डेल्टा एच मेजरमेंट्स, मैं हमेशा किस चीज का यूज करूंगी? कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर दो टाइप के हैं। इफ आई वांट टू फाइंड डेल्टा यू, आप लोगों ने लर्न कर लिया बॉम कैलोरीमीटर। इफ आई वांट टू फाइंड डेल्टा एच, तो आई विल यूज द सिंपल कैलोरीमीटर। तो हाउएवर कैलोरीमीटर इज यूज्ड इज कैप्ट ओपन टू द एटमॉस्फियर। आप देख सकते हैं दिस कैलोरीमीटर इज कैप्ट ओपन टू द एटमॉस्फियर। द कैलोरीमीटर इज इमर्ज्ड इन एन इंसुलेटेड वाटर बाथ फिटेड विद अ स्टिरर एंड अ थर्मोमीटर। Now it is what is how it the arrangement is. The arrangement is such, मतलब ये एक जो आप देख सकते हैं ना, vessel के अंदर vessel, ये vessel के अंदर vessel, इसका meaning क्या है कि यहाँ पे पूरा पानी होगा, जो पानी है उस जिसको हम बोलेंगे water bath। आपकी मम्मी घर पे अच्छा अच्छा खमन ढोकड़ा बनाती ही होंगी, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे पानी होता है ना और ऊपर पूरा वेसल के अंदर वेसल रहता है, जो उसको हम स्टीम, स्टीम के अंदर वो पकता है। तो वाटर, जहां पे हमने वाटर का यूज किया उसको हम बोलेंगे इट इज वाटर बाथ। यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल आपको दिया डे टू डे लाइफ का, जिससे आपको मालूम हो कि वॉट इज वाटर बाथ। वाटर के अंदर हम दूसरे वेसल को रख देते हैं। तो हियर However, calorimeter used is kept open to the atmosphere and the calorimeter is immersed in an insulated water bath. मतलब ये जो मैंने dark portion दिखाया है, that is nothing but water is there and it is insulated. आप देख सकते हैं water है लेकिन वो पूरा insulated है, और यहाँ पे पूरा हमारा reaction mixture है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि इसके अंदर क्या है, that is reaction mixture. Now if I go further with that it is also there, what is that, a thermometer is there and along with the thermometer stirrer, जिससे पानी का हमारा हलन चलन रहेगा, जिसको मैं हम stirrer बोलते हैं, वो continuously, इस type का stirrer वो continuously it will churn the water. So the temperature of the bath is recorded in the beginning. आप बोलेंगे teacher चलो इतना तो हमको clear हो गया इसका arrangement, तो अभी हम delta H मतलब energy किस तरह से find करेंगे? तो सबसे पहली चीज, व्हेन आई एम नॉट स्टार्टिंग, सबसे पहली चीज जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करती हूँ, तब तब का मुझे पहले का टेम्परेचर नोट डाउन करना है। मान लीजिए द टेम्परेचर ऑफ द बाथ इज रिकॉर्डेड इन द बिगनिंग। रिकॉर्डेड इन द बिगनिंग मतलब पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन द चेंज, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन वॉट इट विल इंक्रीज। मतलब पहले मैंने नोट डाउन कर लिया जब तक 30 डिग्री, फिर मैंने रिएक्शन मिक्सचर को स्टार्ट किया, मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, और प्रोसेस जब स्टार्ट किया एंड हुआ तब मेरा जो, फॉर ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, एट द एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 80 डिग्री सेल्सियस। तो बिगिनिंग और एंडिंग का मुझे टेम्परेचर मिल रहा है, तो इजिली मैं टेम्परेचर डेल्टा टी तो मुझे मिल गया। और दूसरी बात, Knowing the heat capacity of water bath, देखिए ये जो वेसल है, ये वेसल की खुद की कुछ कैपेसिटी रहती है वॉटर बाथ से, वॉटर जो अंदर लगाया हुआ है, तो नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द वॉटर बाथ एंड कैलोरीमीटर, मतलब जो कैलोरीमीटर है उसकी हीट कैपेसिटी पहले से नोन रहती है, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड, एंड ऑल्सो द वॉटर बाथ एंड ऑल्सो द चेंज इन द टेम्परेचर, हमें तीन चीजें मिल गई है,
क्या कि वाटर बाथ की हीट कैपेसिटी मालूम है, कैलोरीमीटर वेसल जो है हमारा उसकी भी मालूम है, और हमने डेल्टा टी तो रिएक्शन से फाइंड आउट कर लिया. सो विथ ऑल दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आई कैन इजिली फाइंड आउट हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व इन द रिएक्शन एंड इट कैन बी कैलक्युलेटेड. उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, अभी आपको फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस गिव्स एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. तो ये थ्योरी से आपको क्या मालूम हुआ? फ्रॉम दिस थ्योरी यू आर कमिंग टू नो दैट यू कैन इजिली फाइंड डेल्टा एच मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंटली. एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दिस थ्योरी फ्रॉम दिस थ्योरी वन मार्क क्वेश्चंस आर ऑलवेज कमिंग. इट इज आई कैन से ऐसा तो नहीं है हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है. आपको वन मार्क के लिए इसमें से थोड़ा थोड़ा जो डिटेल्स है वो आपको लर्न करना है. सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लर्न केमिस्ट्री. थैंक यू.